बहुत फिरा निज माही समाजा। अभी की नहीं है वो, 150 साल पुरानी है। पढ़ो ये साहित्य पढ़ो, फिर कहता हूँ बहुत पढ़ो। अरे कदम कदम पर तुझे भगवान कह के बुलाया जाए। और तू पूर्णमी रीझता है, बोलो भैया धर्मी का आनंद लेना है 10 दिन में 16 दिन में कि भैया बहुत आनंद आया। काहे का 10 घंटा पूजन हुई, पाठ हुई, स्वाध्याय हुई, चर्चा हुई, सफेद कपड़ा पहने, ए 2 नंबर और 1 नंबर में लुट गया तू। धर्मी को देख, धर्मी भगवान है। अब तो समझ आया पुण्य को प्रचार क्यों कहा, धर्म को प्रचार क्यों कहा, क्यों पाप के उदय वाले जीव को धर्मी समझ में नहीं आता, समझाने वाले नहीं मिलते। क्या कहा, पाप के उदय में पाप भाव वाले को तो धर्म की समझ भी नहीं आती, पाप भाव वाले को तो धर्म की समझ भी नहीं आती, और पाप के उदय में धर्मात्मा नहीं मिलते, निमित्त नहीं मिलते, देवसाज गुरु नहीं मिलते। इसलिए यहाँ पाप को प्रसार नहीं कहा। आप प्रश्न कर सकते हो कि जब पुण्य से वेद विज्ञान करना है तो पाप से भी करें ना, तो पाप को भी प्रसार कहो कि भैया पाप के उदय में तेरे समझने की लायकात नहीं होती और पाप के उदय में समझाने का निमित्त नहीं बनता, इसलिए पाप को पुरुषार्थ नहीं कहा, पुण्य को पुरुषार्थ कहा। पुरुषार्थ क्यों कहा, क्योंकि वो धर्म के साथ साथ हो तो पुण्य को पुरुषार्थ कहा, धर्म के साथ साथ नहीं हो तो पुण्य को पुरुषार्थ नहीं कहते। पॉइंट पकड़ा कि नहीं, शुभ भाव करते जाओ ये पुरुषार्थ नहीं कहा। ए सोन, जब पुण्य को पुरुषार्थ नहीं कहते तो तेरे पाप को तो कौन प्रसार्थ करेगा, दिन रात पाप करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, मिलावट करता है, भ्रष्टाचार करता है। हाँ, बाप बड़ाना भैया और सबसे बड़ा रुपया, न बाप को सताने में शर्म आवे, न भाई को लूटने में तकलीफ होवे। हाँ अरे सुन सुन, सभी जी भगवान है, पहले नक्की कर। अब तो समझ आया पुण्य पुरुषार्थ है लेकिन सारभूत नहीं है, पुण्य में भी सारभूत धर्मी है, वेद विज्ञान करो। तो एक पॉइंट पूरा हुआ, अभी पुण्य के उदय में अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ की प्राप्ति होती है, पाप के उदय में नहीं होती। ये भी उपचार से कहा, हमने पहले ही कहा भाई उपचार से कहा। दिगंबर मुनिराज ज्यादा पुण्यशाली है कि तुम ज्यादा पुण्यशाली, बोलो बोलो। अरे तुम्हें यदि समझ में आ जाए ना कि मुनिराज ज्यादा पुण्य का उदय उनको, भैया ये डब्बा डब्बी बोलती है तुम्हारे लिए। पहले ऐसा मोड करो कि जो सुनना हो, और नहीं तो यहाँ रखो ही मत, कहीं ऐसी जगह रखो जहाँ पे तुम्हें निराकुलता हो, मुझे भी निराकुलता हो। चल सुनो जरा ध्यान से, मैं क्या बोलता रहा। तुम्हें यदि सच में समझ में आ जाए ना मुनिराज को ज्यादा पुण्य का उदय, तो तुम्हारा मन ललचाए। तुम्हें जैसे जैसे समझो, किसी स्त्री को ससुराल में बहुत कष्ट हुआ, पीआर में सुख हो, तो ससुराल में रहते रहते भी क्या लगता है, कब समर वेकेशन आए मैं जाऊं, कब समर वेकेशन आए बच्चों की छुट्टी लगे तो मैं जाऊं, ऐसे तुमको लगता है। कब मुनि दशा पाए, ये तो मंदिर में बैठे इसलिए कह रहे मुनियों को ज्यादा पुण्य का उदय, काहे का कपड़े तक तो है नहीं। सन तू कितना भी पैसा वाला हो जा, तेरी लैटरिन 4x4 से बड़ी नहीं हो सकती, और दिगंबर मुनिराज की पूरी पृथ्वी लैटरिन। अब बोल है पुण्य का उदय, बोल। तेरा बिस्तर, तेरा कमरा ज्यादा से ज्यादा 10x10 का होगा, 20x10 का होगा, 10x20 का, 20x20, इससे बड़ा नहीं हो सकता। तेरा पलंग उतना ही बड़ा होगा जितना होगा, और मजबूरी में जिंदगी भर उसी पे लेटना पड़ेगा तुझे, मजबूरी में उसी कमरे में रहना पड़ेगा। तू चाहे ना कि बहू वाला कमरा ज्यादा डेकोरेटेड है, तुम निकाल देगी बहू, पापा डोंट एंटर, रह नहीं सकते। आप कहते हो मैं 50 कमरे का मालिक हूं, दूसरे कमरे में नहीं घुस सकते आप। दिगंबर मुनिराज की सारी पृथ्वी सैया है, ये है पुण्य का उदय, तुम समझो। तुम्हें तो क्या लगता है वो कोर्ट के स्टाम्प पे जो लिखा रहता है ना, वो पुण्य का उदय, तुम गधा हो। गधा कहते हैं ढोर को, मतलब मूरख को, भाई इतना ही समझ लेना और क्या कहें।
कहता जल्दी समझ आया, मैं मिथ्या दृष्टि कहूँगा तो समझ में नहीं आता। मिथ्या दृष्टि हाँ हाँ पट पट पक्का मिथ्या दृष्टि, लेकिन गदा सुनने थोड़ा बुरा लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओहो, अभी आपको स्वरूप विचार करना पड़ेगा। विचार नहीं किया, पढ़ा तो होगा, स्वरूप विचार करो। धर्म अर्थ सच्चे अर्थवान तो मुनिराज है। अर्थ माने प्रयोजन सत्ता है। तुम्हारे घर में तुम्हारे राग द्वेष का प्रयोजन सत्ता है, आनंद का नहीं सत्ता। नोट कर लेना अच्छी तरह से, आपको आनंद नहीं आता घर में, राग और द्वेष की ज्वाला में जलते हो आप। दिन रात सुबह शुभ ज्वाला से मेरा व्यापार चला करता। क्या सुबह और अशुभ की ज्वाला ही नहीं? मैंने गलत तो नहीं बोला? हाँ झुलसा है, वो झुलसा है मेरा अंतस्तर, वो आगे की बात है। कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में। क्या क्या है, किसका मान करूं? जो जो दुख का पिंड धरा उसका मान करे? मूरख ही होगा कोई जो मान करे। पंडित जी आपकी कृपा से पांच बंगला है, अभी सात और हो जाए तो सात नरक तो है। अरे प्रभु तू मत कर, तेरा ज्ञान का नाश होता है, नाश होता है प्रभु, नाश होता है तेरा। तुझे खबर नहीं है, तू अपने गुणों की होली जला करके आनंद मना रहा है, तुझे खबर नहीं। बहुत 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 हृदय समझो। धर्म अर्थ, अर्थ में क्या हुआ समझ गए ना? धर्म अर्थ माने हमारा प्रयोजन पूरा हो, ऐसी सामग्री हमारा प्रयोजन पूरा हो। हमारा अब हमारे पे वजन है, हो पांच इंद्री की नहीं, पहले नंबर हमने अर्थ किया था पांच इंद्री की सामग्री, अब क्या वजन कर दिया हमने? ओ समझो जरा विस्तार से कहूँ, थोड़ा कहूँ, थोड़े में ही कहूँ ना, समझ लेना थोड़ा। मैं सही कहूँ आप लोग पुण्यहीन हो, सामग्री तो मिली है लेकिन उसको भोगने ही नहीं जानते। पुण्य के उदय में सामग्री नहीं मिलती, ध्यान रखना, पुण्य के उदय में सामग्री भोगने की अक्कल मिलती है। क्या कह रहे हैं? पुण्य के उदय में सामग्री नहीं मिलती। यदि आपको लगता है ना हमें सामग्री मिली है पुण्य की अक्कल, बिल्कुल नहीं, भोगने की अक्कल मिलती है। नहीं समझ में आया ना कुछ? समझ नहीं आया? देखो बोलो, आपको अक्कल है भोगने की? बुरा नहीं माना भाई, तो बोलने की शैली खराब है। अरे आप एक काम करो, अपने घर में 10,000 रुपये की एक बाई रखो भोजन बनाने वाली, अपनी पत्नी को हैरान मत करो। करोड़पति हो नहीं, अरबपति हो नहीं तुम? अभी एक भाई ने बताया था जिनके हमें भोजन करने गया, बोले इतना सा प्लाट यहाँ पर 1.5 करोड़ का है, यहाँ बहुत महंगी जगह है ये 1.5 करोड़ का। तो इसका मतलब जब तुम 1.5 करोड़ का प्लाट खरीद सकते हो, 1-1.5 करोड़ का मकान बना सकते हो, इसका मतलब 10,000 रुपये महीने की नौकरानी भी रख सकते हो, कोई साधर्मी हो, विधवा हो, कोई बात हो। और उससे कहो बहन तुमको 10,000 रुपये इसी बात का देंगे कि हमें शुद्ध मिठाइयाँ खिलाओ, शुद्ध घी बना के खिलाओ, 10 लीटर दूध लेके आओ, घी निकालो, शुद्ध खिलाओ, और हमें जो खाना हो खाना, टेस्टी भोजन उससे बोलो, रोज का टेस्टी खाओ। लेकिन भाग्य में नहीं लिखा, बाजार की डबल रोटी और ब्रेड महीनों बासी, 15 दिन बासी, मुसलमान ने बनाई कि हरिजन ने बनाई, किसने बनाई, कुछ होश नहीं। सुबह सुबह स्वीपर का काम करते हैं, दिन में जाकर वहां लेबर का काम करती है। इतनी इतनी भाग्य खराब है। उस शादी में वो क्या क्या कहलाता है, वो कुकर क्या कहलाता है, कैटरर, कैटरर, उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया भाग्यहीन उन्होंने, और किसी ने नहीं पूछा कि उसको बनाने वाली स्वीपर है कि बनाने वाली कौन है, कुछ खबर नहीं। मुझे पता है 90% उनमें काम करने वाले ऐसे लोग हैं, नहीं तो कुछ होश नहीं है। टेस्टी भोजन मिलना चाहिए, इसके बाद पर्दे के पीछे क्या होता है ना कुछ खबर नहीं। अब भोगने का कल है, बोलो मेरे से कहो आप, आपकी सारी प्रॉपर्टी मुझे दे दो, मत दो मतलब। और आपको मैं अपने से भी बढ़िया भोजन करा दूंगा, और होटलों में 5 स्टार में तो क्या भोजन मिलेगा, वो भोजन मैं करा दूंगा आपको। कहाँ है आपके भाग में खाना पीना, बोलो? एक बर्तन मांजने वाली बाई को भी 500 रुपये की मिलती होगी,
बर्तन मांजने को, उसके सामने करोड़पति सेठानी इतना प्रेम जताती है जैसे कोई सगी ना हो, हाथ से चाय बना के देती, भाई चाय पी लो आराम से बर्तन मांज। सासू से झगड़ सकते हैं, बर्तन वाली से नहीं झगड़ सकते। भाई ये साड़ी ले जाना 500 रुपए की। भाई तुम्हारी बिटिया का विवाह है, तुम्हारी बिटिया का, तुम जानो बर्तन तुमको ही देखने हैं। ऐसे कैसे बोलते हैं उससे, और फिर ऐसे यश गाते हैं जैसे अनंत भक्ति कर रहे हो। हमारी बेटी की शादी में बिल्कुल घर जैसी है, सारा बर्तन संभाला, घर का रसोई संभाला, स्टोर संभाला, इसने सब संभाला, बहुत अपने घर जैसी है। हे भगवान, अरे रे, वो तेरी भक्ति करेगी, तू उसकी करे। अब सोच लेना, बस इतने से सोच लेना, मैं ज्यादा विस्तार नहीं कर रहा हूं। पैसा होने का नाम पुण्य का उदय नहीं है, तू गिड़गिड़ाता है, तू गुलाम है। पुण्य का उदय अभी तुम्हें पता भी नहीं, एक आध दिन पुण्य का उदय सुन लो तो पता लगे पुण्य का उदय कहते गाय से। आह, तेरी हालत इतनी बदतर है, पैसा कमाने से कोई स्वामी नहीं हो जाता, ध्यान रखना। पुण्य के बिना कोई स्वामी नहीं होता, पैसे से स्वामी नहीं होते, पुण्य के उदय से स्वामी होते। और पुण्य देश सहजगुरु की भक्ति से होता है, भक्ति समझ गए, भक्ति माने भजन नहीं। ये भी बड़ी गड़बड़ होगी, अपन कहते हैं शाम को भक्ति होगी तो भजन होता है, भक्ति थोड़ी होती है, भजन और भक्ति में फर्क है। देश सहजगुरु हमें सदा प्रिय लगे, इसका नाम भक्ति है। उनका मार्ग हमें प्रिय लगे, इसका नाम भक्ति है। उनके मार्ग में उछलता रहे मन, इसका नाम भक्ति है। स्त्री को जैसे पति का विरह अच्छा नहीं लगता, ऐसे धर्मात्माओं को सत्संगति का विरह बुरा लगता है, इसका नाम भक्ति है। सत्संग में रहने का मन उछलता है। मेरे कब हुए दिन की सुहरी, वो दिन कब आएगा? पढ़ो आप, पढ़ो जरा इसी को, पढ़ो रत्नगढ़ साहब का चार्जी में। ओह, मुनियों को पाकर ऐसा लगता है हमारे स्वामी मिल गए, हमारे नाथ मिल गए, आज हमें अपनों का दर्शन हो गया, जिन्हें हम अपना कह सकते हैं आज हमें मिले। बाकी हमारे जगत में कोई नहीं है, नाथ आप ही हमारे हैं। ऐसे भक्ति से सत्संग करते हैं, ऐसे भक्ति से, ऐसा भक्ति सत्संग होता है। समझो जरा भैया, मैं बहुत बह जाता हूँ। धर्म अर्थ, अर्थ किसको कहना, इसको अर्थ नहीं कहते हैं जैसे तुम अर्थ समझते हो। सच्चे अर्थी तो आत्मा है, वो मुनिराज है, उन्हें अर्थ मिला। कदम कदम पर लोग ऐसे खड़े, प्रभु आप तो भगवान बनो, केवल ज्ञान प्रकट करो, आप संसार का विकल्प मत करो, हम आपके शरीर का विकल्प हम करेंगे, आपके शरीर का विकल्प हम करेंगे, आपको औषधि चाहिए हम निर्दोष देंगे, आपकी एक प्रतिज्ञा भंग नहीं कराएंगे। प्रभु आप ध्यान लगाओ, शुद्ध आहार बनाने में अपना अवो भाव समझते हैं, अपना धन जीवन समझते हैं। आहा, स्वामी जी कहते थे चलता फिरता मोक्ष मार्ग आज मेरे आंगन में पधार गया। धर्मात्माओं को देखकर ऐसा लगा, आहा, धन धन साधर्मी जन मिलन की घड़ी। पैसे के बल पर कुछ नहीं हुआ, ध्यान रखना, पैसे के बल पर कुछ नहीं मिलता, एक बाई तक नहीं मिलती ढंग की। भाई समझ गए ना, बर्तन मांगने वाली, अरे रे क्या करे। चलो धर्म अर्थ, अब काम, काम माने इच्छा। सुन, तू धर्म को नहीं समझेगा तो इस अर्थ में तेरी इच्छाओं की तृष्णा बढ़ेगी। इसका नाम पुरुषार्थ नहीं है, इच्छा की पूर्ति का नाम पुरुषार्थ नहीं है। ओहो, तू इच्छा निरोध तपा करता चला जाए, इसका नाम इच्छा पुरुषार्थ है। काम पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ समझ गए, काम बढ़ाना, इच्छा बढ़ाने का नाम पुरुषार्थ नहीं है, इच्छा पूर्ति करना ये पुरुषार्थ नहीं है। जिनको ये बात खबर नहीं है वे तो भगवान को देख करके भी कहते हैं, भैया हम तो मनसा पूरण पारसनाथ की पूजा करते हैं, और हम तो चिंतामणि पारसनाथ की पूजा करते हैं। माने जिस पारसनाथ की पूजा के सामने चिंतामणि और मनसा पूरण लिखा है उसकी पूजा करता है, पारसनाथ की नहीं। पारसनाथ कितने प्रकार के होते हैं, बोल बोल। क्या क्या गजब है जी, कलिकुंड पारसनाथ, जी संखेश्वर पारसनाथ, जी जहाँ के पारसनाथ,
भाके पारसनाथ, महावीर जी के महावीर, महावीर जी के महावीर अलग होते। मैं देखता हूँ, पक्के में देखता हूँ अपने नगर में महावीर भगवान की पूजा के प्रक्षाल ना करें, और उधर जाके महावीर जी ने भगवान के चरणों में ऐसे 108 भगवान के चरण पकड़ गए, नाग रगड़ने तैयार, सिर रगड़ने तैयार। मैंने पूछा एक को बुला के कि तुम्हें तो रुचि कब से लग गई, कब से तुम्हें रुचि लग गई, आज तक तेरे को नगर में तो देखा नहीं कभी मंदिर में। बोले पंडित जी आप समझते नहीं हो, यहाँ के महावीर में जो चमत्कार है ना कहीं नहीं। ले आप बता बाप क्या करे, इससे बड़ा पाप क्या कहें। बोलो मैंने मूर्ति चाहिए कि महावीर चाहिए, बोलो मूर्ति चाहिए कि महावीर, अक्कल बोलो। महावीर की जरूरत किसी को नहीं, सबको चमत्कार की जरूरत है। अरे रे प्रभु तू महापाप करता है, तेरे खबर भी नहीं है। धर्म अर्थ काम, काम माने इच्छा पूर्ति ना है, इच्छा का निरोध, इसका नाम इच्छा का प्रसार। एक्चुअली भाषा व्यवहार की है नहीं तो समझ नहीं पाता ये जी। इच्छा भी तो प्रसार्थ है, काम भी तो प्रसार्थ है, और लोग इतने समझदार हैं प्रेम से कहते हैं काम माने शादी विवाह, वो भी तो पुरुषार्थ है। शादी शादी विवाह भी पुरुषार्थ है, तो जानवर कितना पुरुषार्थ करते नहीं। क्या कह रहे हैं प्रभु, जरा समझो फिर से कहता हूं। पुरुषार्थ का मतलब समझती हूँ, पुरुष नाम आत्मा, पुरुष नाम आत्मा, और अर्थ माने प्रयोजन, जो जिसका प्रयोजन आत्मा है उसका नाम पुरुषार्थ। जिसका प्रयोजन आत्मा है, आत्म साधना है, आत्मा का निर्णय करना है, इसका नाम पुरुषार्थ। तो इच्छा पुरुषार्थ क्या मतलब, पुरुषार्थ का मीनिंग करो। अब किसी को अक्कल लगाने की जरूरत नहीं है कि पुरुष माने आत्मा होता है, अर्थ माने उसका प्रयोजन, साधना माने रत्नत्रय। आत्मा का अनुभव करके रत्नत्रय प्रकट करना, इसका नाम पुरुषार्थ है। इच्छा नाम का पुरुषार्थ माने इच्छा से भेद विज्ञान करके तू रत्नत्रय प्रकट कर, इसका नाम पुरुषार्थ है। इच्छाओं में डूबे रहने का नाम पुरुषार्थ है। पढ़ लेना बनारसी दास जी ने सब अर्थ किए, चार प्रकार के पुरुषार्थ का छंद लिखा है उन्होंने, पढ़ना उसमें से। और उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो जो अर्थ आप समझते हो ना वो मूढ़ है, अज्ञानी है, ऐसा लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल मूढ़ अज्ञानी ही सबसे बड़ी गाली, समझ लो बस। समझ प्रभु समझ, धर्म अर्थ जिसमें तूने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी और तुझे एक सेकंड सुख नहीं मिला। तेरे को अनुकूल पत्नी नहीं है, विश्वसनीय पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, तू जिनको कमा कमा के पढ़ाता है ना वे तेरे क्या कहें, तेरे कुछ काम के नहीं है। धर्म अर्थ काम। अभी मोक्ष, मोक्ष का भी मीनिंग समझो पहले। तो मोक्ष समझते हैं, मोक्ष तो वो मोक्ष की बात नहीं चल रही है। वो जो मोक्ष है जहाँ सिद्ध भगवान रहते हैं, वो मोक्ष है तो सभी समझते हैं। वो नंबर एक का है, नंबर एक का माने नंबर दो ब्लैक, ये नहीं समझना नंबर दो नंबर एक का मतलब समझना, आपस में पूछ के समझ लेना, मैं समझा चुका ना इसलिए। मोक्ष समझो, मोह छह, मोह छह। एक काम करो जरा फास्ट स्पीड से बोलो, मोह छह, मोह छह, मोह छह, तो मोक्ष रह जाएगा। अंग्रेजी में होता ना जो साइलेंट हो जाता है, जो साइलेंट हो जाता है ना, साइलेंट ऐसे वो साइलेंट हो गया। तो अब हमको मोक्ष है तो ध्यान में ही नहीं आता कि हम मोक्ष है करना है, हमें तो मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, सात राज्यों ऊपर मोक्ष जाना है। अरे सात राज्यों ऊपर नहीं जाना, एक इंच की भी दूरी नहीं है वहां जाना है अपने स्वरूप में बास कर। मोक्ष है, सारा जगत मोह से दुखी है, सारा जगत मोह से दुखी है। अर्थात अर्थात मैं पुण्य से सुखी होऊंगा, इस बुद्धि से दुखी है मैं अर्थ पुण्य के उदय की सामग्री से सुखी हो जाऊंगा, इस मोह से दुखी है। मोह से दुखी है क्या समझ में, मतलब ओ पुण्य को उपाधि मानने से दुखी है, पैसा मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, इस मान्यता से दुखी है, और मेरी इच्छाएं पूरी हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, इससे दुखी है।
इन तीनों को सरवाला करके एक में डाल दिया। क्या मैं तो सच कहता हूं, ये चारों की चर्चा करो तो मजा आ जाए अपने को। इन तीनों को लपेट कर एक में लपेट के उड़ा दिया सारा है सारा। मोह से दुखी है, अरे रे रे, मैं पुण्य करूं तो सुखी हो जाऊं, पुण्य की उदय से सुखी हो जाऊं, क्योंकि पुण्य की उदय में स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में इच्छा पूरी होगी। स्वर्ग काहे के लिए चाहिए, इच्छा पूरी होगी बस। इन तीनों को उड़ा, तू इन तीनों में सुख मानता है, ये मोह है, इससे तू दुखी है। तो एक काम कर, मोक्ष नाम का पुरुषार्थ कर, मन इन तीनों को क्षय करने का पुरुषार्थ कर। ले अब सोचते ही नहीं है, और सबको क्या लगता है जी पंडित आजकल बहुत खराब है, यानी कहां कहां से नई नई बात लाती, नई नई बात। अरे लिखिए प्रभु, पढ़ तो सही लिखा है, समझ आ रही भैया। अब जब तुम्हें ही मोह है तो तुम्हें भी ऐसा लगता है, बेटा मंदिर भले ही मत जा लेकिन तू डॉक्टर बन जा, क्योंकि दुनिया में सारे काम पैसे से सत्ते हैं, सारी इच्छाएं पैसे से पूरी होती है, सारा अर्थ पैसे से पूरा होता है। मैं एक बात कहूँ, इंग्लैंड का प्रिंस चार्ल्स का नाम सुना, प्रिंस चार्ल्स कितना पैसे वाला है, तुम तो नहीं हो इतने पैसे वाले जितना पैसे वाला वो है। उसको विश्वसनीय बीवी नहीं मिली, डायना उसकी मिसेज का नाम था, एक दिन सुखी नहीं रहा, इतना दुखी रहता था प्रिंस सारी जिंदगी। शादी करने के बाद रोजाना वो डोडा के साथ घूमती थी, डोडा के साथ नहीं, डोडा अपने होते ना बड़ी इलायची, उसका अफेयर चलता था, उसके फोटो छपते थे, अखबारों में छपते थे, इंटरनेट पे घूमते रहते थे। वो देख देख के दुखी होता था, ना अपने दोस्तों से शक्ल मिला सकता था, आँख मिला सकता था, और दोनों के बच्चों ने कभी भी, दो बच्चे हैं उसके प्रिंस चार्ल्स के, कभी भी उन्होंने गौरव के साथ नहीं कहा कि मैं अपनी मम्मी पर गर्व करता हूँ, मम्मी का नाम नहीं लेते वो दोनों। मिला पैसा तो बहुत था, खरबों पॉन्ड्स खर्च हुए थे शादी में, मेरे ही सामने शादी हुई थी उसकी, पता है आपको, मेरे सामने मैंने आपके सामने हुई थी, अपन सब बराबर थे, इसलिए मुझे मालूम है खरबों पॉन्ड खर्च हुए थे। और जब पहले बच्चे का जन्म होना था ना, तो इतनी स्पेशल व्यवस्थाएं की गई थी उसके लिए, इतनी महारानियों की तरह, लेकिन बच्चों को मां नहीं मिली और पति को पत्नी नहीं मिली। पैसों से होता क्या है? अरे प्रभु तू धोखा खा रहा है, इसका नाम वो, तू धोखा खा रहा है, पुण्य में धोखा खा रहा है, पुण्य की सामग्री में धोखा खा रहा है, और इच्छाएं पूरी होंगी तो हम सुखी हो जाएंगे, तू धोखा खा रहा है। हम तो फिर कह रहे भैया अपनी संतान को धर्म में लगाओ। इस उत्तम मार्दव का दिन है ना आज, उत्तम मार्दव का दिन है आज, ठीक है, मुझे कुछ कहना इसलिए मार्दव कह रहा हूं भाई। ये झूठा अहंकार है हमारा मान, कि लोग कहेंगे तुमने अपने बच्चे को अमेरिका नहीं भेजा, तुमने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया नहीं। अब ले देखे ये गई तो औलाद होती है आजकल, ज्यादा पालने की तो दम नहीं है, वो उसी को पाल पोस के अमेरिका भेज दिया, मान का साय के बसीबूद हो गए, अब तुम बांझ हो गए, बांझ समझते निसंतान हो गए, अब केवल मोबाइल प्रेम बाकी रह गया, बस पूरी जिंदगी मोबाइल प्रेम, मोबाइल प्रेम। मेरे पास मोबाइल नहीं, मैं अपनी घड़ी बताता हूँ, हेलो बेटा ठीक से हो, ओके डैड ठीक हो, बच्चे का फोन आता है, जैसे दिव्य ध्वनि आ रही है। अरे तू फोन में संतुष्ट हो गया बता ले, वो तेरी शकल नहीं देखता, हाँ देखना भी नहीं चाहता, सच्ची बात है। तुमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, फिर कह रहे तुम अपने बच्चे को धर्म में लगाओ, एनी हाउ लगाओ, मार के लगाओ, पीट के लगाओ, लोग देके लगाओ। और मैंने तो यहाँ तक कह दिया, यदि तुम्हारा बच्चा धर्म में नहीं लगे तो उनसे कह दो सारी संपत्ति सुमत प्रकाश को दे दूंगा, मान ले चाहिए होए तो जा, मत देना भले, और क्या मुझे नहीं चाहिए, करें क्या तुम्हें, जिस संपत्ति को मैं ही अच्छा नहीं समझता मैं तुमसे क्या लूंगा। समझो प्रभु समझो, एक एक लाइन में मर्म छिपा पड़ा है। अब यहाँ तो आचार्य कुमकुम की भक्ति कर रहे हैं ना,
इसलिए उसमें ये अर्थ ये शब्द आए थे। ओ प्रभु धन है आप आचार्य उनको स्वामी आपको सर्व पुरुषार्थ हुए, एक सर्व सार्वभौम पुरुषार्थ ही भाग गया इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। अमृतचंद स्वामी ऐसे याद कर रहे हैं उनको, हे कुनकुन स्वामी आपको सर्व पुरुषार्थ में सारभूत एक शुद्धात्मा भाया है इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। हमें वो पुरुषार्थ हमें भी भा जाए। तब तब जाके समझ में आएगी ये बात। उत्तम मार्तव का भी प्रवचन चल गया बीच में, समझते रहे ना बस, धोखे में मत आओ, धोखे में मत आओ। मरते समय 1 करोड़ मत छोड़ना, 10 लाख छोड़ देना, 90 लाख छोड़ देना, 10 करोड़ मत छोड़ देना, 1 करोड़ छोड़ देना, लेकिन अपना जीवन पैसा कमाने में मत खराब करो, मत करो। एक समय की कमाई अनंत काल खाएगा, अनंत मेहनत करके कमाई हुई तेरी कमाई तेरे किसी काम ना आई। मैं कल रात को कह रहा था आजकल के बच्चों को देख के दया आती है, मुझे बहुत दया आती है। 25 साल पढ़ाई में ऐसे बर्बाद होते हैं 14-15 घंटा, फिर 25 साल कमाई में चले जाते हैं। 15 घंटा कमा रहा है आजकल 1 करोड़ के पैकेज के चक्कर में। नमो का मन तो बहुत दूर की बात, अपनी आत्मा भी बहुत दूर की बात, बीवी बच्चे अम्मा की याद नहीं आती। आजकल माता पिता अपने बच्चों से शिकायत करते हैं ना, बेटा तुम हमें सुख कब दोगे, तुम्हारी बहू को कुछ तो बोलो, थोड़ा बहुत बहू को जरा हमें ढंग से पानी पिला दे। बोले पापा मैं उस पर ध्यान नहीं देता हूँ तो वो मेरे से सेटिस्फाई नहीं, तो तुम्हें क्या सेटिस्फाई करेगी। 25 साल पढ़ाई, 25 साल कमाई, 25 साल रोगों में गवाई, फिर विदाई। इतना शॉर्ट में सूत्र है, समझ में कुछ क्या कहा। 25 साल पढ़ाई, 25 साल कमाई, 25 साल रोगों में गवाई, फिर विदाई। हम तो क्या कहें, सच में दुख है कि ये बच्चे आपके हैं, काश ये सब बच्चे मेरे होते। सबको धर्म मार्ग में लगाता। मैंने कहा था ना कल, मैंने अपनी बहन से भाइयों सबसे कहा, एक बार ऑप्शन सबको दिया, आप कभी मत करो। मेरे एक मामा हैं, मामा, मैंने कहा कि तुम ब्रह्मचर्य ले लो, तुम्हारी सारे पैसे मैं कमा के दूंगा, चिंता नहीं करो। लुट गया बेचारा, शादी कर ली, न बीवी का रहा ना बच्चों का रहा, किसी का नहीं रहा, दुखी दुखी दुखी, भयंकर दुखी, भयंकर दुखी। अरे न उगली जा रही है न घुटती हुई। प्रभु अपना जीवन मत खो, मत खो भाई, तू भगवान है, ये स्वरूप देख, इसके लिए पर्व आया हमारे लिए। ओम नमः शिवाय। जय श्री ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो आर्यान, नमो वज्रायान, नमो सर्वसाहून। उत्तम मार्तव धर्म का आज पवित्र दिवस है। हम वह सब चर्चा नहीं करूंगा मैं,
जो आप सुन चुके हो या आप सड़क पर परिचित हो, ये बड़ा मानी है, इसको बड़ा अहंकार है, इसको बड़ा घमंड है, इसे अपने पैसे की बड़ी ठसक है, वो चर्चा मैं नहीं करूँगा। जैन दर्शन में मान किसे कहते हैं उसे समझाने की कोशिश करूँगा। कोशिश कह रहा हूँ क्योंकि गंभीरता से लेना है और शाम का टाइम भी तो सूक्ष्म से लूँगा, अब स्थूल करने से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, अज्ञानी बेफिजूल दुखी होता है, बेफिजूल दुखी, उसका नाम मान कसा है। वो सरल प्रश्न करूं यदि मैं, सोना को सोना नहीं मानते, सोने की कीमत हीरे से मानते हो, ये मान कसा है? शक्कर की कीमत शक्कर से नहीं करके दूध से करना, घी से करना? मैं आपसे बहुत सिंपल बात पूछूं, सोने के बर्तन में रखी हुई शक्कर और लोहे के स्टील के बर्तन में रखी हुई शक्कर, दोनों में से महान शक्कर कौन सी है? कीमत का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुणों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है संयोग से कीमत बढ़ती नहीं है। आत्मा को तो समझ, तू आत्मा को नहीं समझता इसलिए तू संयोग से कीमत बढ़ाता है, इसका नाम मान कैसा है? तीन लोक में यूनिक 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 समझते, अद्वितीय महामहिम दी बेस्ट पदार्थ का नाम है आत्मा। पांच पांच तो अजीब है, पुद्गल धर अधर आकाश काल, ये तो जड़, इनमें तो ज्ञान नहीं, तो ये विचार कुछ नहीं कर सकते, स्वयं को नहीं जानते, लेकिन तुम जीव हो, तुम भगवान हो, तुम में परमेश्वर बनने की शक्ति है। एक पर्याय में केवल ज्ञान आनंद सुख झलके, ऐसा काम होए, अरे रे, तो अब तुम काय से बड़ा मान रहे हो अपने को, आत्मा को तो जानते नहीं। यदि मैं कहूं तो जगत में जितने जीव मान कसाय में आनंद मानते हैं, वे वास्तव में घाटा करने का अहंकार करते हैं, घाटा खाने का अहंकार। समझे, दृष्टांत देके बताऊं, एक धुन धुन समझते, धुन धुन चढ़ जाती है, जब कभी महिलाएं अपनी प्रशंसा करने बैठ जाए ना तो प्रशंसा के बातें करती जाती है, और जब कभी अपनी बेवकूफी की चर्चा करती है ना तो फिर बेवकूफी में भी टॉप। बोले एक बार हम बाजार गए थे तो 500 रुपए की साड़ी 1000 रुपए में लेके आ गए, इतने बुद्धू हैं। तो दूसरी महिला, तुम तो कुछ भी बुद्धू नहीं हो, हम गए थे एक बार तो 500 की साड़ी 1500 में लाए थे। तीसरी बोले, अरे तुम तो फिर भी दोनों भागशाली, मैं तो ऐसी ठगा गई एक बार, मान जब बेवकूफी की बात करते ना तो ऐसे करते चले जाते, और जब तारीफ करने चले गए तो फिर उसे भी बहुत, ये काय का मान कर रही है दोनों, किससे बड़ा दिखना चाह रही, तेरे से बड़ी बुद्धू। एक होली का दिन होता ना, होली का दिन, उस दिन मूर्खाधिराज बनाते एक को, पता नहीं आपने टेपा सम्मेलन सुना है, कभी कभी सम्मेलन, टेपा सम्मेलन होली के दिन सड़कों पर होता है, तो उसमें एक को मूर्खाधिराज बनाती, माने सुनने वाले सब मूर्ख और वो मूर्खाधिराज, माने मूर्खों का भी टॉप। ये दृष्टांत दिया, ऐसे ही तुमको आवाज वैसी हो रही है, इसमें कानों में गूंज रही है, थोड़ी आवाज सेट कर लो बस। चल समझ में आया? तो मुझे क्या समझाना, ऐसे ही अपन घाटा खाते हैं ना,